और आज उनका है मुहूर्त, और मुहूर्त तो अभी हो चुका होगा, तो आज उन्होंने हमें इनवाइट किया लंच पे। फिर मिलेंगे, फिर क्यों मिलेंगे भाई, ईद मिल ले, सामने तो खड़ा हूँ सब्जी मंडी वाले पुल के नीचे। इस भाई का गन्ने का जूस पियोगे ना तो आप, ये बढ़िया बनाता है, एकदम बहुत बढ़िया बनाता है भैया। एक जोरदार जयकारा लगा दो, जय श्री राम। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इंद्रेशन में व्लॉग। तो भाई टाइम हो चुका है सुबह के 10, प्रॉपर पूरे एग्जैक्ट 10 बजे हैं, और आज है भाई हनुमान जयंती। तो सभी को, आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिल के बोलो जय श्री राम। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज मेरा विचार था कि मैं यार काजला धाम जाऊँ, थोड़ा सा मंदिर वंदिर में मत्था टेक के आऊँ, लेकिन वो विचार एग्जीक्यूट नहीं हो पाए क्योंकि आज हमने लेग्स की एक्सरसाइज मारी है, सैटरडे है, लेग्स की एक्सरसाइज मारी थी, तो इसके कारण ना यार लेग्स काम करना ही बंद कर गए थे, और घर आके मेरे को 1.5 घंटा सोना पड़ा, और अभी तो मैं नहा धो के मस्त पूजा पाठ करके तैयार हूँ, लेकिन मुद्दा ये है ना कि लेग्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। और हाँ, पिछले 2 दिन से भाई मैंने व्लॉग नहीं करा, पिछले 2 बार व्लॉगिंग में गैप आया था, तो 2 दिन से व्लॉग नहीं करा, जो मेरे ख्याल आई 2 दिन यार 3 दिन से व्लॉग नहीं करा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गई थी ना, मैं राजगढ़ गया था, वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा मतलब धूप में थी, ट्रेन तपी हुई थी और बहुत ज़्यादा धूप में राजगढ़ गया था, जाके मैंने ठंडा ठंडा पानी पुनी पी लिया वहाँ पे, और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक टाइप पी ली थी, और क्या होता है यार वो हरा पीले नीले रंग का टैंग जूस या जो भी होता है तो वो पी लिया था, जिस कारण के बहुत ज़्यादा मेरा मतलब अजीब सा हो गया था, सिर भारी सा हो गया था, अगले दिन नाक में जुकाम सा हो गया था, थोड़ा सा होता है ना गर्म सर्द हो जाता है तो कोल्ड सा हो जाता है, तो दिमाग ख़राब हो गया था, तो दवाई खाते ही फिर नींद आ रही थी, बार बार नींद आ रही थी, सारा सारा दिन मैं सोया था, और ना कुछ एडिटिंग करने का मन कर रहा था, ना व्लॉगिंग करने का मन कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और चलो फिर ये तो कल तो ठीक हुआ था, कल मैं जिम भी गया था, 2 दिन मैंने जिम का भी गैप मार दिया, 2 दिन मैं जिम भी नहीं गया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती ना यार, तो आप काम मुश्किल ही कर पाते हो, क्योंकि तबीयत वबीयत ठीक ना और थोड़ी सी दिक्कत आ जाए ना तो काम वाम नहीं हो पाता, तो फिर 2 दिन जिम की भी छुट्टी होगी, व्लॉगिंग भी नहीं करा, एडिटिंग भी नहीं करी, तो आज मैं आया हूँ, और आज भी मेरे को आलस चल रहा है, मेरे को नींद चढ़ी हुई है, नींद क्यों चढ़ी हुई है, थोड़ा सा थकावट ज़्यादा होगी, और बाकी तो एकदम ओके, नहा धो के मस्त तैयार हो गया हूँ। तो आज का सीन कुछ इस तरह से है, आज हमारे को 1-1.5 बजे 1-2 जगह काम हो रहे हैं, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे व्लॉग नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा पर्सनल इवेंट है तो व्लॉग वगैरह नहीं करेंगे, अभी शायद मार्केट जाना पड़ेगा मुझे, तो आज स्कूटी में मोटो व्लॉग करते हुए जाएंगे, देखते हैं स्कूटी में मोटो व्लॉग कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो अभी की दिनचर्या तो ये है, तो बने रहो आप हमारे साथ ही, जैसा भी रहता है मोटो व्लॉग करते हैं जैसे भी रहते हैं तो वैसे आपको दिखाते हैं, तो बने रहो आप हमारे साथ ही, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ तो भाई, स्वागत है आपका मेरे इस मोटो व्लॉग में, और मैं मोटो जो कि आपको फिर से एक हिसार की राइड पे ले आया हूँ, और सुबह 10 बजे का समय इस समय हो रहा है, और सुबह 10 बजे के समय में आप देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा धूप हो चुकी है। और एक्चुअली मेरा काम क्या था ना यार, ये देखो ये मेरी स्कूटी है, और स्कूटी की है ना ये बैटरी पड़ी है, और आज मैं आया हूँ स्कूटी पे मोटो व्लॉग करने के लिए, और स्कूटी पे मोटो व्लॉग इसलिए करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने बैटरी एक मेरे को ना दे के आनी थी किसी शॉप के ऊपर, और तो वो बैटरी, अरे भाई क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, तो वो बैटरी मैंने निकलवा करके मेरे को दे के आनी थी, वो बैटरी भाई बाइक पे लेके जाना तो पॉसिबल था ही नहीं, तो इसी वजह से मैं स्कूटी पे आ गया हूँ, और स्कूटी पे यहाँ पर ले करके आ गया हूँ। तो इसी के साथ साथ यार आज मूड अजीब सा है, आज पता नहीं थकावट सी हो रही है या क्या हो रहा है, आज जोश नहीं है बिल्कुल भी, किसी प्रकार का जोश नहीं है काम करने में, तो 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं करा, और अभी भी व्लॉग की कंटिन्यूटी बनी नहीं हुई, काम मेरे सारे लटके हुए हैं, तो उस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, उस कंटिन्यूटी को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, और यहाँ पर अंकल जी छाया में रुकते हुए, और बाकी आज स्कूटी पे मोटो व्लॉग कर रहे हैं, तो अगर कुछ डिफरेंस हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कि स्कूटी पे मोटो व्लॉग और बाइक पे मोटो व्लॉग में क्या डिफरेंस है। तो शादियों का सीज़न आ चुका है भैया, आज है हनुमान जयंती, तो सभी को मेरी तरफ से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बाबा बजरंगबली आपके जीवन में खुशियां लेके आए, सब कष्टों को हर ले, और इसी से भैया एक जोरदार जयकारा लगा दो, जय श्री राम। भैया गाड़ी निकलेगी तो मैं भी निकलूंगा, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, गाड़ी निकली है तो हम भी निकलेंगे, तो ये सुबह सुबह जाम लग जाता है यहाँ पर भैया, सुबह सुबह हिसार में जाम लग जाता है, स्थिति बहुत बेकार होती जाती है, और
और गुस्से में अंकल जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अंकल जी ट्रैफिक वाले, और पता नहीं आ रहा जी ये स्कूल के ऊपर इतना जाम क्यों है, और सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहानी अटपटी सी लग रही है, सिस्टम समझ नहीं आ रहा। तो बाकी पता नहीं यार इतना जाम क्यों है यार आज, कोई समस्या यार मेरे को तो जब भी कोई ना कोई काम पड़ता है ना कुछ समस्या अंटपंट मिलती है यार। हिसार डिपो फिर मिलेंगे, फिर क्यों मिलेंगे भाई, ईब मिल ले, सामने तो खड़ा हूँ, लिख रखा है भैया फिर मिलेंगे। और ये आ चुका है हिसार रेलवे स्टेशन, देख सकते हो आप लोग। और मेरा भी यार कहीं बाहर जाने का मन है यार, दो चार दिन बाहर मस्त घूम फिर के आऊँ कोई वादियों में, पहाड़ों में, ठंडी जगह पर। और सोच रहे हैं कि भाई निकल जाएं, परसों ही निकल जाता हूँ, कल तो मेरे को थोड़ा सा काम है, दो चार दिन बढ़िया। यार क्या यार जाम लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो भैया बीच में क्यों रुक गए? तो भैया हमें नहीं लेना है यहाँ से यू टर्न, और यू टर्न ले करके हम लोग रेलवे स्टेशन के सामने पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही संकरी जगह है। और भाई आज शाम को हमें मंदिर भी जाना है यार, बजरंगबली जी के धोक मार के आनी है शाम को, तो शाम को मंदिर भी जाएंगे। और भी बहुत भाई गड्ढे में बैटरी लग गई मेरी और कहानी बहुत ख़राब हो गई है, वो पैर पर लग गई यार बैटरी। तो बस यहीं तक ही जाना था अपने को, और बस अभी यहाँ पे ही रेलवे स्टेशन के पास में एक शॉप है जहाँ पर हमें बैटरी देनी है, तो वहाँ पर वो बैटरी दे करके हम लोग अपने काम से फारिग हो जाएंगे। और यहाँ गन्ने के जूस वाला भी है यार, आज तो गन्ने का जूस पियेंगे, आज गन्ने का जूस पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बढ़िया बनाता है भाई ये गन्ने का जूस। रेलवे स्टेशन के सब्जी मंडी वाले पुल के नीचे इस भाई का गन्ने का जूस पियोगे ना तो आप, ये बढ़िया बनाता है, एकदम बहुत बढ़िया बनाता है। तो अभी यहाँ पर जाना है पारस इलेक्ट्रिकल के, वो दूर से ही दिख रहा है अपने को पारस इलेक्ट्रिकल। तो अभी के लिए इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं भाई, उसके बाद मिलते हैं हम आपसे सीधा घर पे, तो बने रहो आप हमारे साथ ही। हाँ तो भाई मोटो व्लॉगिंग करके घर आ गए थे, और घर आ गए यार मैं दो एक घंटा सो गया। सोने का रीज़न क्या है ना यार, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, पता नहीं जिम की थकावट नहीं है यार, आज मैंने जिम में अच्छे से रनिंग भी नहीं करी, अच्छे से जिम भी नहीं करा, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत करने पर मेरे को थकावट सी महसूस हो रही थी, यानी कि शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है, खड़ा मेरे से हो नहीं जा रहा और पता नहीं क्या समस्या है। फिर मैं आगे दो घंटा सो गया, अभी भी यार शरीर दुख रहा है कम्प्लीटली, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। खैर अभी टाइम हो चुका है 1:05, और अभी का प्रोग्राम हमारा है भाई, हम करने जा रहे हैं लंच सभी दोस्त। एक्चुअली क्या है ना भाई, अश्विनी कौशिक और प्रवीण कौशिक, अश्विनी और प्रवीण दोनों भाई हमारे दोस्त हैं, व्लॉग में कभी नहीं आए वो लोग, क्योंकि ठीक है वो लोग मैंने शर्माते हैं जो भी है, लेकिन उन दोनों भाई का अपने गली वाले सेवा समिति के सदस्य हैं, बहुत बढ़िया अपने दोस्त हैं। उनका घर कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है, कैमरी रोड वाली जो हमने सैर करी थी, कैमरी रोड का हमने जो मोटो व्लॉग करा था उसमें मैंने बताया भी था कि उस तरफ उनके भाइयों का घर है, और आज उनका है मुहूर्त, और मुहूर्त तो अभी हो चुका होगा, तो आज उन्होंने हमें इन्वाइट किया लंच पे, तो हम सभी दोस्त मिलके जा रहे हैं उनके वहाँ पर लंच पे। तो देखते हैं अभी वहाँ की प्रॉपर वहाँ की वीडियो तो नहीं बनाऊँगा मैं, लंच वंच की नहीं बनाऊँगा, बस जाते हुए थोड़ा बहुत शूट कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो बस यही है। अभी दोपहर का काम तो सिर्फ यही है, बस सिर्फ यही काम करना है, बाकी कोई और का खास काम है नहीं। तो बने रहो आप हमारे साथ ही, अगर रास्ते में शूट करता हूँ तो आपको दिखाएंगे जाते हुए, अदरवाइज़ शाम को ही मिलते हैं सीधा, और मैं भी खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगा क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बने रहो आप हमारे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में।